हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी है और आज मैं आप लोगों के साथ ब्यूटीफुल सा हाई बन हेयर स्टाइल लेकर आई हूँ, वो भी साड़ी के लिए। अगर आप साड़ी डालते हो तो आपको हाई बन कैसे बनाना है एंड पल्लू लेना है तो आप कैसे करोगे। तो चैनल बने हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो सबसे पहले आपको पफ बनाना है। पफ बनाने के लिए आपको फ्रंट से इस तरीके से पूरे हेयर को लेना है, हाफ पफ नहीं लेना है, पूरा इस तरीके से हेयर लेंगे ये ईयर से और इस ईयर से पूरा लेके। ओके, हाफ ईयर मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब सिंपली बालों को हल्का सा ट्विस्ट करेंगे और आगे की तरफ पुल करेंगे। ओके, इस तरीके से एंड क्लिप की मदद से सिक्योर करेंगे। तीन चार क्लिप्स लगा लीजिएगा क्योंकि हमने पूरा हाफ ईयर लिया हुआ है यहाँ पे, तो हाफ ईयर मैनेज करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। इस तरीके से आपको हल्का सा, बहुत ज़्यादा ऊंचा पफ नहीं लेना है। मैंने यहाँ पे चार क्लिप्स यूज किए हैं, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से ले लीजिएगा, जितने में आपको लगे कि हाँ अब ठीक है उतना क्लिप्स आप लगा लीजिएगा। मेरे चार क्लिप्स में काफ़ी अच्छे से हेयर सेट हो चुके हैं। अभी हम लोग सारे बालों को हाई पोनीटेल बनाएंगे। जहां पे हमने रबर बैंड लगाया है एकदम वहीं पे आपको, सॉरी, जहां पे हमने क्लिप्स लगाए हैं वहीं पे आपको रबर बैंड लगाना है टाइटली एकदम। ओके, उसके बाद अगर आप ऑफिस वगैरह जाते हो एंड आपने साड़ी डाली हुई है तो आप इस तरीके से बालों को छोड़ सकते हो और थोड़ा सा बस इस तरीके से हेयर का पार्ट ले लेना है और इस तरीके से अपने रबर बैंड के चारों तरफ से लपेट के सिंपल इस तरीके से अपने बालों को रख के कहीं भी ऑफिस वगैरह कॉलेज वगैरह जा सकते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आपने जिन टॉप भी डाला है तो भी ये पोनीटेल आप बना के जा सकते हो, बट मैं यहाँ पे आपको हाई बन बताने वाली हूँ। तो हम इस तरीके से ओपन करेंगे बालों को। और आपको लेना है यहाँ पे डोनट बन, वन सेकेंड गाइस। तो ये हमने लिया है डोनट बन, इस तरीके से हेयर पे फैला देंगे और इस तरीके से चारों तरफ से डोनट बन के चारों तरफ हेयर को लेंगे। ओके, इस तरीके से फैलाने के बाद से आपको यहाँ पे रबर बैंड यूज नहीं करना है। रबर बैंड यूज करने से क्या होता है कि हमारा जो डोनट बन है उसका शेप अच्छे से दिखने लग जाता है, तो वो हमको यहाँ पे नहीं करना है। सिंपली आपको ट्विस्टिंग करनी है इस तरीके से, पतले हल्के बाल हैं, छोटे बाल हैं, तो इस तरीके से हमको बिग बन दिखाना है। तो उसके लिए अगर आपने रबर बैंड लगा दिया तो आपके हेयर स्टाइल का लुक अच्छा से नहीं आएगा। अब आपको लेना है यूपिन और यूपिन की मदद से सारे हेयर स्टाइल को सेट करते जाएंगे। जहाँ जहाँ आपको लगे कि यूपिन की जरूरत है वहाँ पे आप लगा लीजिएगा। अभी देखिए यहाँ पे मेरा जैसे कि ये बिगड़ गया, तो आप इसको क्या करोगे, इस तरीके से खींच लोगे और यूपिन लोगे और इस तरीके से सिक्योर कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा और हेयर स्टाइल भी काफ़ी अच्छी लगेगी। अब हमारा पफ जो है वो पिचक चुका है, मतलब तो फ्लैट हो चुका है, तो उसको इस तरीके से खींच लेंगे, जो फ्लैट पफ था हमारा वो वापस से आ जाए। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी ऐसे हेयर स्टाइल के लिए, तो इसलिए मैं ये वाला हेयर स्टाइल लेके आई हूँ। जहाँ जहाँ आपको लगे यूपिन्स की ज़रूरत है वहाँ पर आप लगा लीजिए और छोटे से डोनट बन से भी इस तरीके से काफ़ी बड़ा और अच्छा सा खूबसूरत सा हेयर स्टाइल आप बना सकते हो। और इसके साथ आप बड़ी बड़ी झुमके इयर रिंग्स डाल के पार्टी वेडिंग के लिए भी अपने हेयर स्टाइल को लुक दे सकते हो। यहाँ पे आप सेटिंग्स से लगा लेना अगर आपके पास आपके भी इस तरीके से बेबी हेयर्स दिखते हैं। तो ये हमारे हेयर स्टाइल का फाइनल लुक। अगर आपको कर्ल्स करना है, अगर वेडिंग में जा रहे हो, शादियों का सीजन है, तो यहाँ से लेयर्स निकाल लेना, उसको कर्ल्स कर लेना, जिससे कि आपका जो लुक है वो ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। बहुत ज़्यादा ऊँचा पफ मैंने नहीं बनाया है, आपको ऊँचा चाहिए तो आप ऊँचा भी बना सकते हो इस हेयर स्टाइल के साथ।
तो ये है हमारे हेयर स्टाइल का फाइनल लुक, छोटे ही डोनट बन से काफ़ी अच्छा सा हाई बन पफ के साथ आप बना सकते हो। वीडियो कैसी लगी, आई होप कि पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, हेयर स्टाइल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी इस तरीके का वीडियोस मैं लेके आऊँ, मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं अच्छी अच्छी वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊँ। अगर आपको कोई मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो देखना है या फिर हेयर स्टाइल का कोई न्यू डिफरेंट वीडियो देखना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं और भी अच्छे से बनाने की कोशिश कर पाऊँ और जो भी न्यू हेयर स्टाइल है वो उस टाइप की वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।